लोगों की लॉटरी निकलती पैसों की, मेरे खाते में 3 बीवियां डाल दी। बाय वन गेट टू फ्री, नादरा का अनोखा कारनामा, कसूर के तारक मसीह के रिकॉर्ड में 3 बीवियां शामिल कर दी। मैं मान लू कि इस वाक्य मेरे 3 बीवियां दिखाते भी नहीं है और मिलाते भी नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तारक बताएगा आपको कब पता चला आपके रिकॉर्ड के अंदर 3 बीवियां बोल रही हैं? सर मैं जब बच्चों ने वेफार्म बनाने गया मुझे तब पता चला। तो नादर वाला ने कहा कि आपकी 3 बीवियां हैं, तो मैंने कहा सर मेरी 3 बीवियां नहीं, मेरी एक ही बीवी है, लिहाजा के मेरे 4 बच्चे हैं, उनके ये रहे जमन पर्चियाँ साथ लेकर गया। तो मैं कहा सर वेफार्म बनवा दो, ये स्कूल वाले कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हम नहीं बना सकते, 3 बीवियां लेकर आओ। मैं कहा सर मैं 3 बीवियां नहीं हूँ, एक ही बीवी है मेरी, उसका नाम प्रवीण है और मैं शादीशुदा हूँ, 4 बच्चे हैं। जब जाता हूँ वो कहते हैं वो स्टाम लेकर आओ, फलानी शाह लेके आओ। सर मैं कितों लैके आया, जो इन्हें डाली सी डालियां ही बेच पा पू दितियां ने, उदों नहीं पता है भी ये कल नू एक्शन हो सकता, कोई पूछ सकता है। अच्छा ये मैंने दसो कि जो ते बीवी नू पता लगा कि अपना 3 माँ बीवियां होर ने, तो उस टाइम की जज्बा सी उन्होंने? सर वो तो लड़के आते पेकियां तो चलेगी। हो सकता तू कसूर काम करना को रखी हो वे कदी। अच्छा। मैंने क्यों पता है? फिर अपने बीवी को कैसे मनाया? सर मैंने अपने मोहल्लेदारों को 1,000 रुपया दिया और मैंने भेजा, मैंने कहा कि मेरे बच्चे इधर ही हैं और मेरी जाओ बीवी को मना कर लाए हो। मैं ससुराल वालों को तो पता ही है कि एक ही शादी हुई, मोहल्ले वालों को भी पता है एक ही शादी हुई है, तो मैंने उनको किराया दिया 1,000 रुपया और कसूर से वो मेरी बीवी को मना कर लाए। तो जब उधर गए उन्होंने भी 4 दिन मजाक किए मुझे, आपकी 3 बीवियां हैं, आपको तो मौज लगी हुई है। मैं क्या सर मुझे मौज नहीं, मुझे परेशानी इस बात की है कि मेरे बच्चों का आने वाला वक्त वो खराब हो रहा है, दिखाते भी नहीं है। जहाँ तो सर मुझे निकाह नामा दिखाएं ना, ये आपका निकाह नामा लगा हुआ है आपके साथ रजिस्टर है, तो मैं मान लूँ कि इस वाक्य मेरे 3 बीवियां हैं तो लाकर भी मुझे दें। ऐसी कुछ बात नहीं करते, दिखाते भी नहीं है और मिलाते भी नहीं है। अच्छा सर आप ख्वाहिश रखते हैं उनसे मिलने की? नहीं मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ, मेरे खाते से निकाल तो दें ना। सर जब मेरी बीवियां नहीं है तो वो निकालते हैं भी नहीं है, तो जब मेरी बीवियां हो तो फिर तो मैं कहूँ ठीक है ये मेरी गलती है, मैं आपकी गलती तस्लीम करा कि मेरी गलती है, ये नसीहत मुझे होगी। तो सर मेरी तो एक ही बीवी है, उसका नाम ये छपा हुआ है। अच्छा अच्छा वैसे अब आपके जज्बात क्या है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर करें, लिहाजा की मेहरबानी होगी आपकी, तो दोबारा लड़ाई हमारे घर में ना हो। अच्छा अब इनकी वजह से आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा वो सिलसिला है? हाँ जी, जब मैं बच्चों के बेफरम बनवाने जाता हूँ तब भी लड़ाई होती है, जब सनासी घर बनवाने जाता हूँ इनकी गाड़ी आती है ना हमारे गांव में, सर वो कहते हैं ये हमारे दफ्तर का मामला है, हम नहीं क्लियर कर सकते, आप दफ्तर जाएं और दफ्तर से क्लियर करवाएं। जब दफ्तर जाते हैं वो कहते हैं 3 बीवियां ला कर आओ, हमारी 3 बीवियां है ही नहीं तो हम किधर से लेकर आए। अच्छा तो आपने इसका रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए इनके हेल्पलाइन पे या इनके वो जो सर्विस निकाली थी मैसेज के जरिए वहाँ पे कोई रब्ता किया आपने? जी सर वो इनने नोनो पर मैसेज किया थी भी नोनो ते मैसेज करो आईडी कार्ड नंबर उन्होंने छाप के ना आ जाते जेडे थोड़े है ने, तो मैंने वही की तो इनका नुमाइंदे ने कोई बात नहीं की हमारे साथ, कसूर तो जा कर हम थक गए, तो फिर मैंने बात करना छोड़ दी सर। तो फिर दोस्त आए उनने कल मुझे कहा कि क्या मसला, मैं सर ये मसला आ रहा है हमारे रिकॉर्ड का, ये नादरों वालों ने किया है, जब मैं साथ ही नहीं गया हूँ तो मेरे खाते में 3 बीवियां डाल दी, लोगों की लॉटरी निकलती पैसों की, मेरे खाते में 3 बीवियां डाल दी। मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, मैं 3 बीवियों का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ, लिहाजा के मेरा रिकॉर्ड क्लियर किया जाए।